मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए उनका मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, सरकार ने आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की भी सुध ली है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रूपए से बढ़ाकर 13,000 रूपए किया जाएगा। मानदेय में इंसेंटिव के रूप में 1,000 रूपए की वृद्धि प्रतिवर्ष की जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए इस सौगात के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका काफी खुश हैं। उनका कहना है कि यह सरकार का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। मेरी नियुक्ति 12 मई 2010 में हुई थी और हम लोग को जो शुरुआत में पेमेंट मिलती थी 2,500 रूपए, उसके बाद अभी वर्तमान में हम लोग का 13,000 रूपए सैलरी मिल रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जैसे सभी विभागों में दुगना किया गया है, उसी हिसाब से हम लोग को भी दुगना किया जाए, क्योंकि हम अन्य विभागों का भी काम हमसे लिया जाता है और हम लोग हर काम में बढ़ चढ़ के भागीदारी और हिस्से से अच्छे से काम करते हैं। मैं सहायिका के पद में हूँ और मेरी नियुक्ति 2007 में हुई थी। जिस समय नियुक्ति हुई थी उस समय हमारे पास वेतन था और अभी 2023 में 5,750 हो गया है। मैं निवेदन करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी से कि आगे और हमारे वेतन बढ़ाने का गुजारिश। इतना ही नहीं, प्रदेश ने आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का मानदेय 2,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि आशा ऊषा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को सेवानिवृत्ति के बाद 1,00,000 रूपए की राशि दी जाएगी। उनका 5,00,000 रूपए का चिकित्सा और दुर्घटना बीमा भी कराने का फैसला किया है। मेरी नियुक्ति 2006 में हुई थी और उस टाइम पे मेरा वेतन 1,000 से शुरुआत हुई थी और 1,000 के चलते हुए आज दिन हमारा वेतन 13,000 तक पहुंच गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है जो उन्होंने हम लोगों के लिए इतना सोचा और हम लोग चाहते हैं कि आगे कुछ और विचार करें ताकि हम लोग अपनी परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर सके। ये मेरी गुजारिश है अपने मुख्यमंत्री भाई से कि वो आगे हम लोगों का वेतन थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि हमारी और बहनों जो उसी पे निर्भर है वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। मेरी नियुक्ति हुई थी 9 मई और उस समय मेरी वेतन थी 1,250 रूपए और आज मेरे 6,500 रूपए पेमेंट है। मैं भैया का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मतलब हमको सब विभागों में ले जाके काम करवाया जाता है, इसलिए हम भैया से निवेदन करते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के साथ ही आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को नई राह मिली है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश के ये कर्मचारी मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। INH न्यूज के लिए डिंडौरी से सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।